आवाज आने में थोड़े से प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको समझने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून के वक्त में आपके लिए टूर बनाऊँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अली, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल अली सर ब्लॉग में। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम अकोले ज़िले को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अकोले ज़िले के अंदर हम लोग पहुँचे थे बालापुर, और हम बालापुर के कई सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस और स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं सैयद शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। हम लोग चलेंगे अंदर और देखेंगे यहाँ का नज़ारा कैसा है, यहाँ का सीन और ये कैसी इनकी करामातें हैं और कैसे इनकी हिस्ट्री है, इसको जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए चलिए मेरे साथ चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का नज़ारा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग अंदर इंटरेस्ट कर चुके हैं। अगर आप देख पाएँ सामने की तरफ, तो जिस तरीके से आपने देखा था कि हज़रत नेकनाम बाबा पंचगावन वाले, उनकी जैसी आस्थाने के आसपास में खादिमीन के और दिगर जो उनके बुजुर्गाने उनके साथ आए थे, उन लोगों के जिस तरीके से कब्रें और जिस तरीके से उनके मज़ारात हैं, इसी तरीके का कुछ नज़ारा मुझे यहाँ पर भी नज़र आता हुआ। आप देख सकते हैं पूरा अहाता जो है बुज़ुर्गों से भरा है। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा, इस आस्थाने के बीच एक परचम है, इनके उर्स के वक्त में यहाँ पर परचम कुशाई होती है। हर आस्थाने के अंदर एक परचम होता है और उसकी परचम कुशाई होती है उनके उर्स के वक्त में। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ड्रोन व्यू दूंगा तो आपके समझ में आएगा इंशाल्लाह कि दरगाह किस तरीके की है। आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, और ये पूरा आस्थाना, और यहाँ पर ये बुजुर्गानदीन इनकी मेन जो दरगाह है, मेन जो है वो भी हम उस तरफ भी जाएंगे, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके का चीज़ें हैं। आगे हम लोग चलेंगे और समझेंगे दरगाह को और अंदर के तावीज़ात को कि किस तरीके की जो है मामलात हैं। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर करते हैं ज़्यारत और समझने की कोशिश करेंगे कि सैयद शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जो आराम फरमा है। हम लोग पीन तावीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें ये जो है ओपन दरगाह है गाइस, अल्लाहुम्म सल्ली अला रसूलिल्लाह माशाल्लाह। आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाएगी। ये ओपन दरगाह है, इसके ऊपर गुंबद नहीं है। तो ऐसी मज़ारात बालापुर में आपको कई सारी जगहों पर देखने को मिल जाएगी, इसके ऊपर किसी तरीके की गुंबद नहीं है। आप देख सकते हैं अहाता पूरी तरह से नया बनाया गया है, इसको वेल कंस्ट्रक्ट किया है गाइस। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके आसपास के भी अहाते को समझने की कोशिश करेंगे। इसको पूरी तरह से साल में कई बार इसको मेंटेन किया जाता है, इसके अहाते को। हम लोग पूरा आसपास का एरिया भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये शहर के करीब के समझ के चलिए कि शहर के बीचों बीच इसको हम बोल सकते हैं। स्टैंड से आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी अगर 5 मिनट से आओगे तो 5 मिनट में इंशाल्लाह इस दरगाह पहुँच जाओगे। ये ऐसी दरगाह है। तो इस दरगाह के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इस दरगाह सैयद शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। देख सकते हैं आप जिस तरीके का सुकून मुझे अचलपुर में दुला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मिला था, जैसे नेकनाम बाबा पंचगावन वालों के यहाँ मिला था, जैसे खानकाह नक्शिया नक्शबंदिया में गया था वहाँ पर जिस तरह का सुकून मिला था, उसी तरीके का सुकून मुझे इस दरगाह पर भी नज़र आता हुआ। आप देख सकते हैं ज़ायरीन 12 ही महीने यहाँ पर आते हैं गाइस, 12 ही महीने यहाँ पर ज़ायरीन होते हैं। इनका उर्स के वक्त में तो एक अलग ही मंज़र होता है, हर वली के दरबार का उर्स के वक्त का मंज़र कुछ और होता है। मुहर्रम में आप कहिए या रमज़ान में आप कहिए, यहाँ के मामलात बहुत अलग होते हैं। आम दिनों में थोड़ी बहुत चहल पहल कम होती है, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग जो है यहाँ से इसलिए स्टार्ट की थी कि यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बता सकूँ, क्योंकि जब पब्लिकली जब आप बात करते हो तो पब्लिक की तरफ से आवाज़ आने में थोड़े से प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको समझने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून के वक्त में आपके लिए टूर बनाऊं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या है यहाँ पर। यहाँ पर एक और आस्थाना नज़र आता हुआ मुझे, चलिए बढ़ेंगे आगे। ये एक और आस्थाना है यहाँ पे। ये सारे आस्थाने जो हैं ये सैयद शरफुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से लगकर, और कब्रिस्तान भी है यहाँ पर।
इसी से जुड़ता हुआ। तो छोटे छोटे यहाँ पर मज़ारात भी हैं, आप देख सकेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या है यहाँ पे। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ तो ये बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है माशाल्लाह। और ये यहाँ पर बहुत सारे अकीदतमंद यहाँ पर आते रहते हैं गाइस, 12 ही महीने आते रहते हैं यहाँ पर। लोग अपने अकीदत के हिसाब से, अपने जो है ये बोलेंगे कि हैसियत के हिसाब से जो भी होता है वो यहाँ पर नज़र करते हैं। तो ये था हमारा बालापुर का छोटा सा ब्लॉक, और बालापुर के अंदर का ये शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का ये ब्लॉक। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया है, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने भाई को कमेंट में बहुत सारी दुआएं दें, और मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को पूरा देखें गाइस। आप पूरा देखोगे तो आपके समझ आएगा कि हम लोग कहाँ हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।